ये है दिल्ली दर्पण। साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी थाना के SHO और एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एक मामले में कोर्ट में पेश ना होना भारी पड़ गया और उनके खिलाफ लापरवाही बरतने को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई की। अमर कॉलोनी थाना के SHO योगेश्वर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है तो वहीं ट्रेनी शांतनु को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के निर्देश पर DCP राजेश देव ने ये कार्रवाई की है। ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे एक दहेज प्रताड़ना के केस से संबंधित है। इसमें जांच अधिकारी की अनुपस्थिति होने की स्थिति में तारीख पर सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ना भेजकर ट्रेनी SI को जज के सवालों और केस से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया था। सुनवाई के दौरान ट्रेनी SI ने जज के पूछे गए लगभग सभी सवालों का सही उत्तर दिया, लेकिन ये सवाल के उत्तर में जब उन्होंने कहा कि वो इस केस की जांच के अधिकारी नहीं है, इसलिए उन्हें केस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इस पर हाईकोर्ट के जज ने मामले को डिविजनल बेंच में भेज दिया। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक 20 अक्टूबर को इसी जिले के किसी दूसरे थाना के एक मामले की हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान भी थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई, जिस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को तलब कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद स्टैंडिंग काउंसलिंग ने पुलिस आयुक्त को अमर कॉलोनी थाना पुलिस की लापरवाही के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद उसी दिन CP के निर्देश पर DCP ने SHO और ट्रेनी SI पर कार्यवाही कर दी। आदेश में DCP ने अमर कॉलोनी के ITO को SHO का काम संभालने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।